There is only one day left in the IPL 2019 auction to start which team can buy which player. Let's preview the whole IPL auction. सो गाइस, इस साल का ऑक्शन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। एक हाथ पे देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम है जिनके पास सिर्फ दो ही स्लॉट्स अवेलेबल हैं, वो दो ही प्लेयर्स को खरीद सकती हैं, और दूसरे हाथ पे देखें तो किंग्स इलेवन पंजाब की टीम है जिन्होंने सिर्फ 10 ही खिलाड़ियों को रिटेन किया है, उनके पास अभी 11 खिलाड़ी भी मौजूद नहीं है उनकी टीम में। लेट्स स्टार्ट विद चेन्नई सुपर किंग्स टीम। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को आखिरकार क्या चाहिए इस आईपीएल के ऑक्शन में? तो दोनों की दोनों इंडियन प्लेयर्स ही खरीद सकते हैं इस ऑक्शन में, और साथ ही साथ उनको इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स जो वापस चले जाएंगे उनके बैकअप के लिए भी प्लेयर्स चाहिए। सो गाइस, कुछ प्लेयर्स की बात करें जिनको ये सीएसके की टीम खरीद सकती है, वो है मनन वोरा, जयदेव उनादकट और अक्षर पटेल। मनन वोरा एक बहुत ही चीप रकम में उनको बैट्समैन मिल जाएंगे, 20 लाख की उनकी बेस प्राइस है और कम कीमत में उनको एक अच्छा इंडियन बैट्समैन मिल जाएगा। उसके बाद जयदेव उनादकट एक इंडियन फास्ट बॉलिंग ऑप्शन है और इनको एक फास्ट बॉलर अपनी टीम में चाहिए ही चाहिए। और तीसरे नंबर पे आते हैं अक्षर पटेल। अक्षर पटेल रविंद्र जाडेजा का एक बहुत ही अच्छा बैकअप हो सकते हैं। अगर रविंद्र जाडेजा को बाय चांस कोई चोट लगती है या चेन्नई की टीम उनको रेस्ट देना चाहती है तो अक्षर पटेल एक बहुत ही अच्छा रिप्लेसमेंट प्लेइंग 11 में रविंद्र जाडेजा की जगह हो सकते हैं। आगे बात करते हैं नई टीम की, नए नाम वाली टीम की, जो है दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स को इस आईपीएल के ऑक्शन में चाहिए क्या? तो नंबर 5, 6, 7 के लिए एक अच्छा बैट्समैन चाहिए, एक्सपीरियंस्ड इंडियन ऑलराउंडर चाहिए, बैकअप विकेट कीपर चाहिए और साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स का एक बैकअप भी उनको लगेगा। नामों की बात करें तो डेरेन ब्रावो, हनुमा विहारी, ईशांत शर्मा, रजनीश गुरबानी और एडम जैम्पा इनके लिए एक बहुत ही अच्छे चॉइस रह सकते हैं। डेरेन ब्रावो और हनुमा विहारी इनके लिए एक अच्छा मिडिल ऑर्डर ऑप्शन रह सकते हैं, और ईशान शर्मा और रजनीश गुरबानी इनके पेसिंग अटैक को संभाल सकते हैं, और साथ ही साथ एडम जैम्पा एक अच्छे ओवरसीज स्पिन ऑप्शन इनके लिए रह सकते हैं। Now at number 3, we talk about Rajasthan Royals. So what Rajasthan Royals need in this auction? They need some Indian batsmen and overseas or Indian bowlers. They need a good pacing attack in this auction. Some of the players have been listed down that are Priyank Panchal, Ajay Rohar, Pat Brown and James Overton. Priyank Panchal and Ajay Rohar are two young Indian batsmen. They are very much talented. And Pat Brown and James Overton are the two overseas bowlers, especially the pacers, which can be part of the Rajasthan Royals team. Now let's talk about the Kings XI Punjab. पंजाब की टीम को बहुत कुछ करना है इस आईपीएल के ऑक्शन में। दे नीड इंडियन बैट्समैन इंडियन बोलर्स, फॉरेन बोलर्स एंड ऑल्सो द इंडियन ऑलराउंडर्स एंड फॉरेन ऑलराउंडर्स। दे नीड ऑल काइंड ऑफ प्लेयर्स। सम ऑफ द प्लेयर्स विच कैन बी बॉट बाय केएक्सआईपी आर सैम करन, जेसन होल्डर, शिवम दुबे, डार्सी शॉट एंड वरुण चक्रवर्ती। दे कैन बी द परफेक्ट ऑप्शन फॉर द केएक्सआईपी टीम। Now let's talk about the two-time champions KKR. What Kolkata Knight Riders need? So Kolkata need quality batsmen, a backup for Chris Lynn, a backup wicketkeeper and fast bowlers in their team. Some of the players which Kolkata can target upon are Riley Rosu, Jaydev Unadkat, Dale Steyn and Mohammad Shehzad. Especially Mohammad Shehzad can be a good backup option for Chris Lynn and a good backup wicketkeeper. Now let's talk about the Virat Kohli captain team RCB. What RCB need in this auction? So they need specialist batsmen that are 4-5 batsmen, good overseas options and also some Indian backup bowling options. Some of the players which can RCB target are Johnny Bairstow, Anuj Rawat, Shimron Hetmyer, Ravi Kumar Samarth, Siddharth Desai and Jaydev Unadkat. Here Johnny Bairstow and Shimron Hetmyer are good foreign options. Some of the options like Anuj Rawat and Ravi Kumar Samarth are very good for the RCB. They are new talent and they can invest in that. And Siddharth Desai and Jaydev Unadkat being a good backup bowling option for the Royal Challengers Bangalore. Now at second last, we talk about Sunrisers Hyderabad. So SRH ki team ko ek bahut hi acha top order chahiye. Upar 6 aur 7 number pe quality batsmen chahiye aur Shakib Al Hasan ke liye ek acha backup bhi chahiye SRH ki team ko. So Chris Wokes, Corey Anderson, Sarfaraz Khan, Yuvraj Singh, Manan Vora and Shivam Dubey are best options for them. Shivam Dubey
दुबे, कोरी एंडरसन एंड क्रिस वोक्स आर द बेस्ट ऑप्शंस फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ शाकिब अल हसन एंड वाइल मनन वोरा इज अ वेरी गुड ऑप्शन रिप्लेसिंग शिखर धवन एट द टॉप ऑर्डर एंड युवराज सिंह कैन ऑल्सो सपोर्ट द मिडिल ऑर्डर ऑफ द सनराइजर्स हैदराबाद टीम. लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी टॉक अबाउट मुंबई इंडियंस कैन बॉट वन और टू क्वालिटी बैट्समैन, वन और टू इंडियन पेसर्स एंड ऑल्सो सम बैकअप ऑलराउंडर्स इन दिस ऑक्शन. सम ऑफ द प्लेयर्स विच कैन बी बॉट बाई मुंबई इंडियंस आर जयदेव उनादकट, युवराज सिंह, मनोज तिवारी, बाबा अपरिजीत, वृद्धिमान साहा एंड कॉलिन इंग्रम. सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइज इन द IPL 2019 ऑक्शन प्रिव्यू. इफ यू लाइक द वीडियो डू हिट द लाइक बटन. इफ एनीथिंग इज मिस्ड बाय मी द कॉमेंट सेक्शंस आर फॉर यू. यू कैन फिल द कॉमेंट सेक्शन. इफ यू हैव एनी थॉट्स जस्ट कॉमेंट डाउन बिलो. सो गाइज डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल टू गेट द लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स. सो यार गाइज बाय बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग. बाय बाय.